बीते 3 दिसंबर को हुए एक गैंग वॉर में राजू ठेहट के मारे जाने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि राजस्थान से अब गैंगस्टर का सफाया हो चुका है तो आप गलत हैं। पिछले 5 सालों में राजस्थान की धरती से 2 बड़े गैंगस्टर्स का नाम मिट चुका है। साल 2017 में पुलिस ने आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया और अब साल 2022 में राजू ठेहट एक गैंग वॉर में मारा गया। ये दोनों राजस्थान के माफिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम हुआ करता था। अब इन दोनों के मारे जाने के बाद भी कुछ नाम ऐसे हैं जिससे राजस्थान में फिलहाल तो गैंग वॉर खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। आखिर कौन से हैं वो नाम जिनसे राजस्थान अभी भी सुरक्षित नहीं है और ये लोग अभी भी वहाँ के पुलिस प्रशासन के नाक में दम किए हुआ है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है विक्रम गुर्जर उर्फ विक्रम लादेन का। जिस एक लादेन को पूरी दुनिया जानती थी वह तो मारा गया, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले के पहाड़ी गांव का रहने वाला विक्रम लादेन का आज भी अपराध की दुनिया में अच्छा खासा नाम है। विक्रम गुर्जर कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी गैंग का नाम ही लादेन रखा है। इसी नाम को अब वह अपने नाम के साथ भी लिखने लगा है। लादेन की धाक राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी है। हम आपको बताते चलें कि अपराध की दुनिया में विक्रम लादेन की एंट्री पापला गुर्जर ने करवाई, जिसके बाद वह चीकू गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद में पापला गुर्जर से विवाद के बाद विक्रम चीकू गैंग से अलग हो गया, जिसके बाद उसने पहाड़ी गांव में अपनी लादेन नाम से एक गैंग बना ली, जिसके बाद उसने अपराध की दुनिया में खूब नाम कमाया। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण जैसे दर्जनों केस दर्ज है। विक्रम लादेन फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन वह अपना गैंग वहीं से चला रहा है। विक्रम गुर्जर उर्फ विक्रम लादेन की पूरी कहानी हम आपको आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप पापला गुर्जर और उसके गैंग की कहानी को विस्तार से देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है श्रीराम उर्फ राजू मांजू का। राजस्थान के जोधपुर जिले का रहने वाला श्रीराम उर्फ राजू मांजू 007 के नाम से अपना गैंग चलाता है। हम आपको बताते चलें कि 007 जेम्स बॉन्ड का कोड नेम है और दुनिया उसे एक बेहतर जासूस या एक एजेंट के रूप में जानती है। अपराध की दुनिया में नाम कमाने वाला राजू मांजू को गौ सेवा के लिए भी जाना जाता है। मारवाड़ में राजू मांजू खौफ का दूसरा नाम है। कहा तो यह भी जाता है कि राजू को आम लोग पसंद भी करते हैं। अपराध की दुनिया में आने को लेकर एक बार राजू ने कहा था कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में इस दुनिया में उसे शामिल होना पड़ा। वह युवाओं को अपराध की दुनिया से बचे रहने की बात भी करता है। राजू मांजू पर हत्या, रंगदारी, फिरौती और फायरिंग सहित कई केस दर्ज है। वह फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन जमानत पर बाहर आता और जाता रहता है। राजू मांजू की पूरी कहानी भी हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाले हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है लॉरेंस बिश्नोई का, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में रहा है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का दहशत राजस्थान ही नहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में भी है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन वह वहीं से अपनी गैंग को चला रहा है। उसके गुर्गे हर जगह फैले हुए हैं। बीते मई महीने में पंजाबी सिंगर और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग हो या फिर अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी, वह सब कुछ जेल के अंदर से ही प्लान करता है और उसके गुर्गे उस काम को अंजाम तक पहुंचाता है। अपराध की दुनिया में लॉरेंस की एंट्री कॉलेज टाइम से ही हो गई थी। इसके बाद उसने अपने खौफ का साम्राज्य खड़ा किया। आज लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में सैकड़ों ऐसे गुर्गे हैं जो उसके एक इशारे पर मरने मारने को आतुर हो जाते हैं। हमने आपको लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी इस वीडियो में विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम है आनंदपाल सिंह का। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद ये समझना सही नहीं होगा कि उसका गैंग भी खत्म हो गया है।
आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उसके गैंग के कई गुर्गे इस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। आनंद पाल सिंह साल 2017 में एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। आनंद पाल का नाम राजस्थान के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल था। उसकी मौत के 5 साल के बाद भी आनंद पाल के नाम का खौफ है। उसकी गैंग के गुर्गे आनंद पाल के खौफ को जिंदा रखे हुए हैं। नए नए लोग भी इस गैंग में लगातार शामिल होते ही रहते हैं। कहा जाता है कि आनंद पाल के गैंग मेंबर्स उसे भगवान की तरह मानते थे। उसके नाम पर ब्लड डोनेशन कैंप समेत अन्य तरह का आयोजन भी होता ही रहता है। आनंद पाल के नाम से आज भी राजस्थान में रंगदारी मांगने सहित अन्य तरह के मामले सामने आते रहते हैं। आनंद पाल सिंह की पूरी कहानी को हमने इस वीडियो में पूरे विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस लिस्ट में 5वां नाम है राजू ठेहट का। जी हाँ बिल्कुल, राजू ठेहट के मौत के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका गैंग भी खत्म हो गया है। आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के 5 सालों के बाद राजू ठेहट को उसके गैंग ने मारा। इसीलिए संभव है कि आगे भी इस तरह के वारदात हमें देखने को मिल सकते हैं। राजू ठेहट का अपराध की दुनिया में नाम गैंगस्टर आनंद पाल सिंह से पहले से है। राजू ठेहट की अपराध की दुनिया में एंट्री साल 1995 में हुई। शेखावटी में राजू ठेहट की गैंग RTG ग्रुप के नाम से जानी जाती है। राजू ठेहट पर भी हत्या की कोशिश, लूट और रंगदारी जैसे दर्जनों केस दर्ज है। शनिवार को सीकर में 5-6 बदमाशों ने राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजू की आनंद पाल गैंग और बिश्नोई गैंग से सालों पुरानी रंजिश चल रही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने राजू की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने राजू की हत्या को आनंद पाल और बलबीर बानुडा के मर्डर का बदला बताया है। अगर आप भी रोहित गोदारा की पूरी कहानी को अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही है वो कुछ नाम और गैंग जो राजस्थान के रेगिस्तान में बिन मौसम बरसात करते रहते हैं। आगे आने वाले वीडियोज में हम आपको इन सभी की कहानी विस्तार से बताने वाले हैं। आप अगर किसी गैंगस्टर की कहानी को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। डर का नाम सुना है? वो हमने फैला रखा है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।